नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं लहसुन पर 10 बड़ी खबरें। लहसुन की कीमतों में शुक्रवार को ठहराव के साथ हल्की बढ़त देखने को मिली। मंदसौर की मंडी में लहसुन 1500 रुपए सुधर कर फिर से 16000 रुपए के ऊपर कारोबार करता नजर आया। मार्केट टाइम्स टीवी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तेजी का माहौल ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रह गया है और कभी भी उच्च क्वालिटी लहसुन की कीमतें 10000 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे लुढ़क सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर चीन का लहसुन अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है और भारतीय लहसुन के बाजार शेयर पर कब्जा जमाने की उसकी कोशिश है। विदेशी बाजारों में चीन का लहसुन भारतीय लहसुन के मुकाबले 30-40% कम पर बेचा जा रहा है, जिससे अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की मांग चीन की तरफ शिफ्ट हुई है। हालांकि अमेरिकी संसद में चीन के लहसुन पर बैन लगाने की बात कही गई है और चीन के लहसुन को अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध के समान देखने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीन की एक बड़ी कंपनी को लहसुन के निर्यात का बड़ा ऑर्डर मिला है। शैनडोंग जियो निक्सिन ट्रेडिंग कंपनी को $12,000 के लहसुन निर्यात का ऑर्डर मिला है। आपको बता दें, चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और चीन में 230 लाख टन लहसुन का उत्पादन सालाना होता है। वहीं भारत विश्व के कुल लहसुन उत्पादन में केवल 9% की हिस्सेदारी रखता है और भारत में 33 लाख मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन होता है। भारत का कुल उत्पादन के मुकाबले जो निर्यात है वो भी काफी कमजोर है। साल 2023-24 के वित्त वर्ष के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिला जब भारत ने 60,000 मीट्रिक टन लहसुन का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 300 करोड़ रुपए मात्र है, जो कि करीब करीब $4 करोड़ के आसपास है, जबकि चीन की कंपनी को 12,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मंदसौर की मंडी में शुक्रवार को लहसुन की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। मंदसौर मंडी में बढ़िया क्वालिटी का ऊटी लहसुन 16,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बोला गया। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को लहसुन बाजार में 1500 रुपए का सुधार देखने को मिला। आज लहसुन में कुछ भी थोड़ा उठावे, 5-7 रुपए टाइट है लहसुन कल की तुलना में। थोड़ा अराइवल भी कम है आज, 2000-3000 कट्टे के आसपास। ना मीडियम बिका है लहसुन 80 रुपए से लगा के 95 रुपए तक, और बाकी पूना लड्डू 100 रुपए से लगा के 115, और एक्स्ट्रा थोड़ा ऊपर उठा हुआ साइज 120 से लगा के 135 रुपये। ऊटी बिका 140 से लगा के 165, फुल गोला 170। आने वाले समय में भाव मंडी की कोई संभावना? अभी तो बाजार ये टिकना चाहिए, जब तक अपना अगर राजस्थान चलता थोड़ा बहुत कटेगा बाजार, जब तक राजस्थान का चालू होगा तो अपना सागर बेल्ट अगर चालू होगा थोड़े बाजार डाउन हो सकते हैं। अराइवल के ऊपर खेल, अराइवल अगर कम रहेगा तो बाजार लिमिटेड, वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं कटना चाहिए, 80-120 चलता रहना चाहिए बाजार। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में लहसुन की आवक ने जोर पकड़ा है और इसके साथ ही खरीदार भी लहसुन का स्टॉक कर रहे हैं। नीमच मंडी में शुक्रवार को लहसुन की कीमतों में सुधार देखने को मिला। इंदौर की मंडी में ऊटी लहसुन 140 रुपए से 165 रुपए प्रति किलो पर बोला गया। लड्डू लहसुन 100 रुपए से 115 रुपए प्रति किलो पर बोला गया। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को लहसुन की 2000 बैग की आवक कम देखने को मिली। अराइवल्स के अंदर में कमी दिखाई दी, जिसके चलते बाजारों में सुधार देखने को मिला। लहसुन की बड़ी कीमतों को देखते हुए और नई आवक के चलते किसानों को अपने माल की सुरक्षा के लिए लहसुन पर रात भर पहरा देना पड़ रहा है। एक किसान ने बताया कि वो बीते 15 दिनों से रातों को जागकर लहसुन की सुरक्षा कर रहा है ताकि लहसुन चोरी ना हो जाए। इंदौर में इन दिनों लहसुन चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसको लेकर किसान प्रशासन से इस दिशा में देखने की बात कर रहे हैं
और लहसुन चोरों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। करते हैं ना, रात भर जाग रहे हैं भैया वहाँ पे अभी। आपके गाँव तो चोरी हुआ लहसुन? हुआ है ना, कितनी बोरी? ये हुआ होगा कम से कम 20 बोरी लहसुन। आपका चोरी हुआ? नहीं, हमारा नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आप कितने दिनों से जाग रहे हैं अभी? हम जाग रहे हैं वहाँ कम से कम 13 दिन हो गए हमको लगातार जाग रहे हैं। लगातार दिल्ली की आजादपुर मंडी में लहसुन गुरुवार को 3500 बैग स्टॉक का रहा, यानी कि गुरुवार को जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हुआ, बचा आया हुआ माल 3500 बैग बचा। माल की बंपर सप्लाई है और ग्राहक की कमजोर देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली आजादपुर मंडी में 30 गाड़ी की आवक देखने को मिली। कारोबारियों का कहना है कि जिस रेट पर वो पीछे माल बुक कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचते तक माल में गिरावट आ जा रही है, जिससे कारोबारियों को करीब करीब एक गाड़ी के पीछे 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली आजादपुर मंडी में लहसुन की कीमतें 100 रुपए से 150 रुपए बोली जा रही हैं। हालांकि लहसुन को लेकर किसान और व्यापारी असमंजस में हैं कि लहसुन को इन कीमतों पर निकाल दिया जाए या फिर स्टॉक किया जाए। मार्केट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल लहसुन की कीमतों पर नई आवक के चलते दबाव देखने को मिलेगा, कीमतें फिसलेंगी और जून और जुलाई में जाकर के नए विदेशी सौदों से बाजार एक बार फिर से रिकवर कर सकता है। अभी फिलहाल बाजार की नजरें नई लहसुन की आ रही अराइवल्स पर टिकी हैं। अगर ज्यादा सप्लाई रही तो प्राइसेस पर दबाव रहेगा और अगर स्टॉक यहां पर कम होते हुए दिखाई देता है तो विदेशी मांग भी निकल सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन अपने साथियों, सहयोगियों, गांव के किसानों को पहुंचाइए।